Hello everyone, myself Mrs. Riddhi Patel, and today we will see unit number 11, MSN 1, and today's topic is kidney cancer. Okay, kidney cancer is usually defined as any cancer that is determined to have arisen from the kidney. It usually does not include metastatic cancer of the kidneys, that is cancer that arose outside of the kidney and has spread to it. Okay, so kidney cancer ni andar su jova mare che तो कैंसर हसे किडनी नु ओके बट ए मेटास्टेसिस नहीं हो जे पण कैंसर थयुं हसे किडनी आउटसाइड थयुं हसे अन एना सेल प्रेजेंट हसे ओके दैट इज किडनी कैंसर. द किडनीज आर पेड ऑर्गन्स इन द अबडोमेन ऑफ द ह्यूमन बॉडी. बराबर हवे मेन वॉट इज एनाटॉमी ऑफ किडनी. ओके तो किडनी अंदर नेफ्रॉन आवेला छे ओके अने किडनी साथ यूरेटर कनेक्ट है. यूरेटर पछी ब्लेडर है और यूरेथ्रा है. ओके तो मेन फंक्शन ऑफ किडनी शू है तो वेस्ट प्रोडक्ट जो टॉक्सिन्स है एने फिल्टर करवा. ओके द किडनीज आर पेड ऑर्गन्स इन द एब्डोमेन ऑफ द ह्यूमन बॉडी. द फिल्टर द ब्लड टू रिमूव टॉक्सिन्स. ओके तो मेन किडनीज नो फंक्शन शू है तो फिल्ट्रेशन नो वर्क करे ब्लड नो. बराबर हवे ब्लड नी अंदर जे पण टॉक्सिन्स छे एने रिमूव करे छे. वेस्ट केमिकल्स एंड वॉटर. दिस फिल्टर्ड फ्लूइड इज देन कॉन्सन्ट्रेटेड टू फॉर्म यूरिन फ्रॉम द किडनीज. द यूरिन पेसिस आउट इन टू द यूरेटर्स टू बी स्टोर्ड इन द ब्लेडर. ओके हवे किडनीज शू है तो पेर ऑर्गन्स है और किडनी लोकेशन है अबडोमेन इन द ह्यूमन बॉडी. हवे मेन फंक्शन ऑफ द किडनी शू है तो फिल्टर ऑफ ब्लड. हवे ब्लड नी अंदर जे पण टॉक्सिन्स है वेस्ट केमिकल्स एंड वॉटर है एनु फिल्ट्रेशन करे छे अने फिल्टर फ्लूइड है एनु फॉर्मेशन सामा थाय छे पछी यूरिन में अने यूरिन क्यांथी पास थशे तो किडनी थ्रू यूरेटर अने यूरेटर मांथी ब्लडर नी अंदर एनु स्टोरेज थशे. ओके नेक्स्ट छे रिस्क फेक्टर्स फॉर किडनी कैंसर. विच आर द रिस्क फेक्टर्स. किडनी कैंसर डेवलप्स मोस्ट ऑफन इन पीपल ओवर 40 इयर्स ऑफ एज. ओके 40 वर्ष से वधारे जे हशे एमना में बट नो वन नोज द एक्जेक्ट कॉज ऑफ द डिजीज. नाउ स्मोकिंग. सिगरेट स्मोकर्स आर ट्वाइस एज लाइकली एज नॉन स्मोकर्स टू डेवलप किडनी कैंसर. ओके हेवी स्मोकर जो हे योने किडनी कैंसर थाना चांसेस है. ओबेसिटी पीपल ने चांसेस है. हाई ब्लड प्रेशर हे ए लोग ने चांसेस है. ओके लॉन्ग टर्म डायालिसिस. हमें जे लोग डायालिसिस लॉन्ग टर्म सुधी हे क्रॉनिक किडनी डिजीज हे तो डायालिसिस कर. सैकेंडली के जे पेशंट ने बने किडनी फेल हे ओके बोथ किडनी आर फेल देन दे हेव टू गो फॉर द डायालिसिस. ओके डायालिसिस पेशंट्स हु डेवलप पॉलीसाइटिक डिजीज ऑफ द किडनी अपीयर टू बी मोस्ट एट रिस्क फॉर किडनी कैंसर. ओके फ्रीक्वंटली डायालिसिस थतु हसे त्यारे. नाउ ऑक्युपेशनल एक्सपोजर टू टॉक्सिक कम्पाउंड्स. हवे जे लोग ऑक्युपेशनल एक्सपोजर है बराबर हवे ए लोगों ऑक्युपेशन एवी जगह हे कि जे जगह टॉक्सिक प्रोडक्ट बनती हे. ओके लाइक इंडस्ट्री हे कोई गैस घातक गैस हे. ओके हार्मफुल गैस तो अल्टिमेटली इट विल लीड टू द किडनी कैंसर. रिस्क ऑफ किडनी कैंसर इज इंक्रीज इन वर्कर्स एक्सपोज टू एस्बेस्टॉन्स पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ड्राई क्लीनिंग सॉल्वेंट्स एज वेल एज दोज हु वर्क्स इन द आयर्न एंड स्टील इंडस्ट्रीज. ओके नाउ जीनेटिक प्री डिपोजिशन. ओके हवे बाय बर्थ पण होय सके छे. सपोज इन फेमिली हिस्ट्री नी अंदर कोई ने किडनी कैंसर हसे तो पण जीनेटिकली थ्रू पेशंट ने थई सके छे. नाउ एनाल्जेसिक्स अब्यूज नेफ्रोपैथी. ओके इंडिविजुअल्स हु यूज एस्पिरिन और फेनासेटिन कंटेन within analgesics over a long period are at risk of developing chronic renal failure. In addition to kidney failure they may also be at the increased risk of kidney cancer. ओके अब जे लोग analgesics नो सौथी वधारे यूज करता हसे. ओके तो analgesics पण एक प्रकार नो शू छे तो अब्यूजन छे. बराबर ड्रग अब्यूज में आवे छे analgesics. हवे जे लोग ने analgesics नो यूज करता हसे तो अल्टिमेटली एनी असर शू थशे तो क्रॉनिक किडनी फेलियर था से. ओके रीनल फेलियर अने अल्टिमेटली जे सपोज रीनल फेल थी गयू तो एना लीधे शू थे तो किडनी एनु फंक्शन नहीं करी सके फिल्ट्रेशन नहीं करी सके अल्टिमेटली इट विल लीड टू द रिस्क ऑफ किडनी कैंसर. नाउ चाइल्डहुड कीमोथेरापी. हवे चाइल्डहुड नी अंदर सपोज कीमोथेरापी लीधु हे कोई ट्रीट ने कोई कैंसर ने ट्रीट करी हे तो पण एने रिस्क फेक्टर छे. हवे शू तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हे बराबर और फॉर बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन हेज बीन एसोसिएटेड विथ इंक्रीज रिस्क ऑफ किडनी कैंसर. ओके नाउ
प्रीवियस रेडिएशन थेरापी। हवे कीमोथेरापी सपोज चाइल्डहुडनी अंदर लीधी हशे तो पण किडनी कैंसर नो चांसेस छे। अने रेडिएशन एक्सपोजर मतलब पर्टिक्युलरली जो कोई अदर ऑर्गननी अंदर रेडिएशन मेटास्टेसिस स्टोन किडनी कैंसर हशे बराबर मीन्स कैंसर हशे तो पण रेडिएशन थेरापीनो यूज कर्यो हशे तो एना लीधे शुं जोवा मळशे तो किडनी कैंसर थई शके छे। नाउ स्टेजिंग ऑफ किडनी कैंसर। सो कया कया स्टेज छे किडनी कैंसरना। सो स्टेजिंग अलाउज अ फिजिशियन टू गॉज द साइज एंड लोकेशन ऑफ ट्यूमर्स बाय यूजिंग इन्फॉर्मेशन गेदर्ड फ्रॉम इमेजिंग स्टडीज सच एज सीटी स्कैन एंड एमआरआई एंड फ्रॉम पैथोलॉजी टेस्ट एंड फिजिकल एक्जामिनेशन। ओके हवे स्टेजिंग ऑफ किडनी कैंसरनी अंदर शू तो जे पण फिजिशियन छे ए केवी रीतना स्टेज नक्की करशे राइट तो जे इमेजिंग लेबोरेटरी टेस्ट करवामां आवशे इमेजिंग स्टडीज करवामां आवशे एमां छे सीटी स्कैन अने एमआरआई। ओके ना अने अदर टेस्टमां छे पैथोलॉजी टेस्ट करशे का तो फिजिकल एक्जामिनेशन थ्रू ए लोको स्टेज नक्की करशे। सो स्टेज वन द ट्यूमर इज कन्फर्म टू द किडनी एंड डज नॉट इन्वॉल्व द कैप्स्यूल ऑफ टिश्यू देट सराउंड्स द किडनी। ओके स्टेज वन नी अंदर शू जोवा मळशे तो ट्यूमर आइडेंटिफाई थशे बट ए खाली किडनी अंदर ज हशे। ओके ए जे किडनी अंदर जे कैप्सूल और टिश्यू है त्या आगाड़ी नहीं हो। स्टेज टू तो एना करता एक स्टेप अप द ट्यूमर एक्सटेंड्स थ्रू द कैप्सूल ऑफ द किडनी। हवे किडनी अंदर जो कैप्सूल है तो एनी अंदर फैलाशे। ओके एक्सटेंड थशे। नाउ स्टेज थ्री द ट्यूमर इन्वॉल्व्स लिम्फ नोड और एक्सटेंड्स इन टू द रीनल वेन। ओके हवे स्टेज थ्री अंदर शू है तो लिम्फ नोड ने पण इन्वॉल्व करे छे अने ब्लड जे रीनल वेन छे एनी अंदर एक्सटेंड थशे। ओके नाउ स्टेज फोर द ट्यूमर हेज इन्वॉल्व ऑर्गन्स एडजेसेंट टू द किडनी देट इज पेनक्रियास और बॉवेल। हवे असेसरी जे ऑर्गन छे किडनी ना एनी अंदर पण ए फैलाशे। ओके नाउ क्लिनिकल मेनिफेस्टेशन अबनॉर्मल यूरिन कलर देट इज डार्क रस्टी और ब्राउन ड्यू टू ब्लड इन द यूरिन फ्लैंक पेन एंड बेक पेन जोवा मळशे। ओके कॉलिकी पेन पण जोवा मळशे हाइड्रोनेफ्रोसिस। ओके नेफ्रोसिस नी अंदर शू जोवा मळशे तो जे नेफ्रॉन छे ए श्रंकन थई गेला हशे अबडोमिनल मास और लंप फीवर हाइपरटेन्शन रिजल्टिंग फ्रॉम सिक्रिशन ऑफ रेनिन बाय द ट्यूमर। ओके હવે જે રેનિન એક્ટિવેશન થાય છે રેનિનનું સિક્રેશન જોવા મળે છે એના લીધે હાઇપરટેન્શન જોવા મળશે વેટ લોસ જોવા મળશે ઓર અનેરિક્સિયા કોલ્ડ ઇનકોન્ટિનન્સ જોવા મળશે ઇન્ટોલરન્સ જોવા મળશે ઓકે અનેમિયા ક્રોનિક ફટીગ લેગ એન્ડ એન્કલ સ્વેલિંગ જોવા મળશે નાઇટ સ્વેટ્સ જોવા મળશે એલિવેટેડ કેલ્શિયમ લેવલ। ओके नाउ डायग्नोस्टिक इवैल्युएशन हिस्ट्री कलेक्शन फिजिकल एग्जामिनेशन यूरिन एनालिसिस कंप्लीट ब्लड काउंट बायोप्सी अल्ट्रासाउंड ऑफ अबडोमेन किडनी एंड सीटी स्कैन और लास्ट वन इज एमआरआई। ओके नाउ मैनेजमेंट पीपल विथ किडनी कैंसर मे हैव सर्जरी एंड रेडिएशन थेरेपी बायोलॉजिकल थेरेपी और कीमोथेरेपी। ओके वॉट आर द ट्रीटमेंट मॉडलिटीज सो इट विल इंक्लूड द सर्जरी radiation therapy, biological therapy and chemotherapy. Some may have a combination of treatments, okay? અમુકમાં combination of treatments આપવામાં આવશે. So, at any stage of disease, people with kidney cancer may have treatment to control pain and other symptoms. સૌથી પહેલાં medical modalitiesની અંદર શું આપશે તો treatment as a treatment regimen. જ્યાં pain હશે ત્યાં analgesics આપશે, fever હશે તો antipyretic આપશે, okay? Now, vomiting હશે તો antiemetic આપવામાં આવશે. देन हॉट एप्लिकेशन आप कोल्ड एप्लिकेशन आपके पेन रिलीविंग ड्रग आप दिस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट इज कॉल्ड सपोर्टिव केर। ओके दिस ऑल इज कॉल्ड सपोर्टिव केर। नाउ फर्स्ट है नेफ्रेक्टॉमी करवामां आवे छे देट इज सर्जिकल मैनेजमेंट। ओके वी आर गोइंग टू सी सर्जिकल मैनेजमेंट। ओके सर्जिकल मैनेजमेंट। ओके सो फर्स्ट इज नेफ्रेक्टॉमी ऑपरेशन टू रिमूव द किडनी इज कॉल्ड ए नेफ्रेक्टॉमी। ओके हवे पर्टिक्युलरली जे किडनीनो कैंसर छे तो एने टोटली रिमूव करवानी छे देट इज कॉल्ड नेफ्रेक्टॉमी। देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ नेफ्रेक्टॉमीज द टाइप डिपेंड्स मेनली ऑन द स्टेज ऑफ द ट्यूमर। ओके हवे नेफ्रेक्टॉमीना पण टाइप्स छे અને એ સાના ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે તો સ્ટેજ પ્રીવિયસલી વી હેવ સીન ધ ફોર સ્ટેજ ઓફ કિડની કેન્સર। ઓકે
Now, radical nephrectomy. So, what is radical nephrectomy? The surgeon removes the entire kidney along with the adrenal gland and some tissue around the kidney. So, ani andar su remove karse to adrenal gland ane je ena surround tissue che ene j remove kare che. Some lymph nodes in the area also may remove. Now, simple nephrectomy. The surgeon removes only the kidney. Some people with stage 1 kidney cancer may have a simple nephrectomy. Okay? Only kidney ne j remove karvani hoy che. Now, partial nephrectomy. The surgeon removes only the part of the kidney. Okay? Partial ni andar su che to je pan kidney ni jagyae. Matlab tissue ni andar che, lymph node ni andar che to only etlo j part remove karse. Okay? Capsule hase to capsule no part remove karvama aave che. That contains the tumor. A person with a small kidney tumor may have this type of surgery. Okay? So, this all are the nephrectomy type. Now, arterial immobilization. So, what is arterial immobilization? Arterial immobilization is a type of local therapy that shrinks the tumor. Okay? Ab, arterial immobilization ni andar su karvanu chhe. To, je jagyae tumor thailo hase. Barabar? तो ये शू करते श्रिंक करते ट्यूमर ने. वेन सर्जरी इज नॉट पॉसिबल, जयरे सर्जरी पॉसिबल नहीं तरह इमोबिलाइजेशन मे बी यूज टू हेल्प रिलीव द सीम्टम्स ऑफ किडनी कैंसर. द डॉक्टर इन्सर्ट्स अ कैथेटर इन टू अ ब्लड वेसल्स इन द लेग. ओके, लेग थ्रू जो ब्लड वेसल्स पास थती हे एनी अंदर जो फिजिशियन हे कैथेटर इन्सर्ट करते. द ट्यूब इज पास अप टू द मेन ब्लड वेसल्स दैट सप्लाइज ब्लड टू द किडनी. हवे आ ब्लड वेसल्स जे मेन ब्लड वेसल्स हे जे किडनी ने ब्लड सप्लाय करती हे एना थ्रू आ कैथेटर त्या सुधी लई जैसे. द डॉक्टर इंजेक्ट्स अ सब्सटेंस इन टू द ब्लड वेसल्स टू ब्लॉक द फ्लो ऑफ ब्लड इन टू द किडनी. हवे जे फ्लो ब्लड नो हे तो ये स्टॉप करते. ओके, द ब्लॉकेज प्रिवेंट्स द ट्यूमर फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीजन एंड अदर सब्सटेंसिस इट नीड टू ग्रो. ओके, तो आवी रीतना ये ट्यूमर ने कंट्रोल करते. नाउ साइटोरिडक्टिव नेफ्रेक्टॉमी. ओके, साइटोरिडक्टिव नेफ्रेक्टॉमी इन्वॉल्व्स रिमूव ऑफ मोस्ट ऑफ द प्राइमरी ट्यूमर फ्रॉम द किडनी. पीपल विथ एडवांस किडनी कैंसर हु अंडरगो साइटोरिडक्टिव नेफ्रेक्टॉमी बिफोर ट्रीटमेंट विथ IFNA immunotherapy have improved survival compared with those whose primary kidney tumors are not removed. Now, biological therapy. So, biological therapy ni andar su aapvama aave chhe to immune system ne vadharva mate immunoglobulins. Okay? So, ultimately they are going to fight with cancer. Okay? Biological therapy uses the body's natural ability immune system to fight cancer. For patient with metastatic kidney cancer, the doctor may suggest इंटरफेरॉन अल्फा और इंटरल्यूकिन 2. ओके, तो जे लोग नेचुरल फाइट नहीं कर सकता अने किडनी अंदर मेटास्टेसिस कैंसर हो तो ये पेशेंट ने शू आपे डॉक्टर इंटरफेरॉन अल्फा और इंटरल्यूकिन 2 आपवामां आवे छे. द बॉडी नॉर्मली प्रोड्यूस दीस सब्सटेंसिस इन स्मॉल अमाउंट इन रिस्पोन्स टू इन्फेक्शन्स अनदर डिजीज. फॉर कैंसर ट्रीटमेंट दे आर मेड इन द लेबोरेटरी इन द लार्ज अमाउंट. ओके, सो જ્યારે બોડીની અંદર નથી હોતા નેચરલી ત્યારે પેસિવ ઇમ્યુનિટી આપવામાં આવે છે. ઓકે, નાવ રેડિયેશન થેરાપી. મોસ્ટ રિનલ સેલ કાર્સિનોમાસ આર રેડિયેશન રેઝિસ્ટન્સ. હાવેવર, રેડિયેશન થેરાપી મે બી હેલ્પફુલ ફોર પેઇનફુલ બોની મેટાસ્ટેસિસ, બ્રેઇન મેટાસ્ટેસિસ એન્ડ પેઇનફુલ રિઅકરન્સ ઓફ ટ્યુમર ઇન ધ રિનલ બેડ. રેડિયેશન થેરાપી હેઝ ઓલ્સો બીન યુઝ ફોલોઈંગ નેફ્રેક્ટોમી ફોર ઇન્ડિવિડ્યુઅલ્સ whose disease is highly likely to recur locally. Through this has not been proven to be effective. ओके, હવે રેડિયેશન થેરાપી જ્યારે કિડનીની અંદર મેટાસ્ટેસિસ હશે અથવા બ્રેઇન પેઇનફુલ બોની મેટાસ્ટેસિસ હશે, બ્રેઇન મેટાસ્ટેસિસ હશે, ઓકે, ત્યારે આપવામાં આવે છે. બટ ઇન કિડની કેન્સરની અંદર આ એટલું બધું ઇફેક્ટિવ નથી હોતું. નાવ કિમોથેરાપી, ધીસ ઇઝ ધ મિક્સર ઓફ ડ્રગ. ઓકે, ક્લિયર સેલ કાર્સિનોમાસ ડુ નોટ રિસ્પોન્ડ ટુ ટ્રેડિશનલ કિમોથેરાપી. સમ નોન ક્લિયર સેલ કાર્સિનોમાસ મે રિસ્પોન્ડ ટુ કિમોથેરાપી ઇન અ મોનિટરી ઓફ કેસીસ. કોમ્બિનેશન ઓફ પ્લેટિનમ એજન્ટ્સ, ઇન્ફોસમાઇડ, ધેન જેમિસિટેબાઇન એન્ડ ટેક્ઝાસ ટેન ટુ બી યુઝ. ઓકે, હવે કોમ્બિનેશન ઓફ ડ્રગની અંદર કઈ ચોઈસ ઓફ ડ્રગ છે? તો ધીઝ આર ધી પ્લેટિનમ એજન્ટ્સ. ઓકે, ધીઝ આર ઇન્ફોસેમાઇડ, જેમસિટેબાઇન એન્ડ ટેક્ઝાસ. ઓકે, આનો યુઝ થાય છે. નાવ નર્સિંગ મેનેજમેન્ટ. સો ધ ડાયગ્નોસિસ, વિચ આર ધ ડાયગ્નોસિસ ઓફ કિડની કેન્સર. ફિયર એન્ડ એન્ઝાયટી રિલેટેડ ટુ ડાયગ્નોસિસ ઓફ કેન્સર. ઓકે, પેઇન રિલેટેડ ટુ સર્જિકલ ઇન્સિઝન.
इम्पेड यूरिनरी एलिमिनेशन रिलेटेड टू यूरिनरी ड्रेनेज ट्यूब्स, देन रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू सर्जिकल इंसिजन एंड इम्यूनोसप्रेसेंट्स, रिस्क फॉर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट टू एक्सेस रिलेटेड टू फ्लूइड रिप्लेसमेंट नीड्स. ओके, सो फियर एंड एंग्जाइटी रिलेटेड टू डायग्नोसिस ऑफ कैंसर. हमें कैंसर थयू हे तरह पेशेंट ने ऑलरेडी फियर लगते हे. ओके, कि हमें शू थे. नाउ पेन रिलेटेड टू सर्जिकल इंसिजन, हमें पेन जो थाने लीधे थे मे बी सर्जिकल इंसिजन ने लीधे. इम्पेड यूरिनरी एलिमिनेशन रिलेटेड टू यूरिनरी ड्रेनेज ट्यूब, हमें यूरिनरी ड्रेनेज ट्यूब हे तो एना लीधे शू तो यूरिनरी एलिमिनेशन वाइडिंग ऑफ यूरिन. ओके, एनी अंदर इम्पेरमेंट जवाब मैं. रिस्क फॉर इन्फेक्शन, हमें सर्जिकल इन्सिजन ने लीधे मेनली सानु रिस्क है, रिस्क फॉर इन्फेक्शन है. एंड इम्यूनोसप्रेसेंट, हमें इम्युनिटी लो हे तो एना लीधे रिस्क फॉर इन्फेक्शन थी सके. नाउ रिस्क फॉर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट और एक्सेस रिलेटेड टू फ्लूइड रिप्लेसमेंट नीड्स. ओके, सो टुडे आई एम गोइंग टू फिनिश दिस टॉपिक. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टैक्ट मी. बाय बाय, हैव नाइस.